ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया है, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे, ग्रेविटेशन फोर्स की हिस्ट्री देखी थी, एक शॉर्ट हिस्ट्री कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आया था, कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था इस पर्टिकुलर फोर्स को फाइंड करने में, इस फोर्स के कंसेप्ट में, ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट क्या होता है ये भी हमने जाना था लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? इट वाज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, यही सेंट्रीपिटल था। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या था? इट वाज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था विच वॉज टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, विच वॉज उसका डायरेक्शन क्या था? इट वॉज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली तो नहीं कह सकते, आउटवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमने और एक चीज़ देखी थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा था, एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब एक फॉल्स फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, उसी को हमने कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगा नहीं सकते, पर उसका हमने रिजल्ट देखा था, कुछ एग्जाम्पल देखे थे, स्लिपिंग एंड स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, चीज़ें क्लियर है, ओके। कुछ एग्जाम्पल देखे थे और डिराइव किया था, दैट वॉज एफ इक्वल्स टू m into m1 into m2 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर जी वॉज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला था हमारा, f इक्वल्स टू f वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड f वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसे हम कंबाइन करिए तो यहाँ पे आ गया था कुछ लाइक ऐसा, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया था हमने तो g कॉन्स्टेंट आ गया था, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया था, चीज़ें क्लियर है, ओके। इसके बाद हमने जी का पर्टिकुलर यूनिट देखे थे, जिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का यूनिट वॉज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे डिराइव किया था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं, ये तो न्यूटन की थ्योरी होगी, हमने कहा था, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया था कि जो न्यूटन ने थ्योरी डेवलप की है ग्रेविटेशन को लेके, यहाँ पे इसका एक बेस बनाया था एक साइंटिस्ट थे जो 16th सेंचुरी में थे, केपलर। केपलर ने इसका कुछ बेस बनाया था, हमने ये भी कहा था कि केपलर ने एक डिस्कशन किया था और उनके जो लॉस थे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए डिस्कवर किए थे, दैट वर बेस्ड ऑन द प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि केपलर, सर केपलर ने, जिसे हम केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं, सर केपलर ने ऐसे कौन से 3 लॉ बनाए थे जो यूनिवर्स में एक्सेप्टेड थे। सबसे पहले मिथ देखते हैं, मिथ और उनके लॉस, ठीक है। मिथ क्या है और उनके लॉस उन्होंने किस तरीके से बनाया, ठीक है। मिथ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अराउंड द सन। ये मिथ है, ठीक है। मतलब सबको ऐसा पता है, ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड में, वो कैसा ट्रेस कर रहे हैं, जो पाथ है दैट इज सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ सभी को समझ में आता है, पर केपलर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व इन एन एक्लिप्स पाथ, ठीक है, इन विच सन एक्ट्स एज वन ऑफ द फोकाई। ये कहा था पर्टिकुलरली केपलर ने। केपलर ने क्या कहा था, जो मिथ था जो अभी तक ट्रेंड चला था कि जो रोटेशन ऑफ प्लैनेट है, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट है, जो पाथ ट्रेस करे वो सर्क्यूलर है, ये मिथ था कि सर्क्यूलर मूवमेंट हो रहा है। पर केपलर ने क्या कहा, सर्कुलर नहीं है वो, कैसा है वो इक्लिप्स फॉर्म में। इक्लिप्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, दिस इज अ सेंटर, इसे कहते हैं इक्लिप्स, इसे कहते हैं फोकाई, ये जो सेंटर में होता है ये फोकाई होता है। तो यहाँ पे देखो वेरिंग रेडियस है, अगर मैं इसके रेडियस के बारे में बात करता हूँ तो वेरिंग रेडियस R1 और यहाँ पे R2 कर, ठीक है, रेडियस वेरी हो रहा है। तो केपलर ने कहा था जो मोमेंट है प्लैनेट्स के अराउंड द सन वो कुछ इस पैटर्न में, ना कि सर्कुलर पैटर्न में, इतना ही है फर्स्ट लॉ, ईजी है ना, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहा था पर्टिकुलर केपलर ने,
इनका सेकेंड लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप अप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट द सन एंड द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, और थर्ड ये हम एक ही इसमें एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या कहता था, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड को डिनोट हम टी से करते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ये था पर्टिकुलर थ्री डिफरेंट लॉज ऑफ केपलर्स. ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली केपलर्स ने क्या कहा था. ठीक है, ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म, ये हमारा सन हो गया, सन एज अ सेंटर, ये पर्टिकुलर ट्रेस पाथ जहाँ पे हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है. कंसीडर करते हैं प्लैनेट हमारा यहाँ पे अभी एट दिस लोकेशन ए. ठीक है, अब यहाँ तक मूव कर गया बी तक. सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये फर्स्ट हो गया इक्लिप्स, फर्स्ट लॉ हमने बता दिया डायग्राम से. ओके, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट. चलो लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये और ये. अब देखो यहाँ पे क्लोज पाथ हो गया सेंटर, कर्व पाथ तो क्लोज, तो यहाँ पे क्या क्लोज पाथ एक एरिया कवर करेगा, ये हो गया एरिया, लेट अस कंसीडर एज ए वन, ये हो गया एरिया ट्रेस कर दिया ए वन. ठीक है, अब इतने एरिया कवर करने के लिए कुछ टाइम लगा होगा इस प्लैनेट को मूव करने के लिए, कंसीडर टी वन, ये हो गया टी वन टाइम. चीज़ें क्लियर है? ओके, अब ये प्लैनेट रिवॉल्व करते करते यहाँ पर आ गया, इसे हम कंसीडर करते हैं सी, पोजीशन सी, ये सी, और यहां पे हम कहते हैं टी. चीजें क्लियर है? यहां पे भी कुछ एक ट्रेसिंग पाथ करते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. अब देखो यहां पे भी कुछ एक एरिया कवर हो गया. ठीक है, लेट अस कंसीडर एज ए टू. चीजें क्लियर है? ये हो गया, और यहां पे टाइम रिक्वायर्ड टी टू. ठीक है, तो केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ए टू बी, ये बहुत स्मॉल है. ठीक है, एज कम्पेयर टू सी टू डी, सी और डी में देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे हम बात ये कहते हैं डी टू डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे डी वन. ठीक है, इन विच डी वन इज लेस देन डी टू, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज ए टू बी इज लेस एज कम्पेयर टू डी टू. पर इसमें क्या हुआ है, अब हम जब इस कंडीशन को हम, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है एरिया ए वन इज इक्वल टू ए टू, स्टिल डिस्टेंस सेम नहीं है फिर भी एरिया सेम रहेगा. ठीक है, और साथ ही में क्या आएगा, टी वन इक्वल टू टी टू टाइम, क्यों क्या कहते हैं, इक्वल लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स विद इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. ठीक है, तो केपलर क्या, केपलर ने क्या कहा था, जब वेन एवर प्लैनेट बहुत जब दूर होता है सन से दूर होता है, देखो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सन, सॉरी ये हो गया सी और ए का पोजीशन देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस जो स्पीड है अपनी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये स्पीड यहाँ पर कवर हो जाएगी. सो दैट द एरिया कवर्ड बाय फ्रॉम ए टू बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय वेन इट इज़ नियर टू द सन. यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे वो डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा कर लेगा, C टू D में डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा कर लेगा, सो दैट जो एरिया कवर हो रहा है फ्रॉम A टू B और C टू D दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल एंड टाइम इंटरवल शुड बी ऑलवेज इक्वल.
अब टाइम को हमें सेम रखना है, एरिया सेम रखना है, तो क्या होगा यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड मतलब इन द सेंस स्पीड नहीं बढ़ती है, पर डिस्टेंस कम होने की वजह से जब वो ट्रैवल करता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ऑटोमेटिक चले जाता है। चीज़ें क्लियर है? ये कहा था केपलर ने, केपलर ने यही कहा था, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, स्टिल एरिया और टाइम विल बी ऑलवेज इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कम है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सो दैट वो एरिया टाइम इंटरवल सेम लेगा। अगर यहाँ पे 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो ये भी 3 मंथ्स रहेगा, पर 3 मंथ्स में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। चीज़ें क्लियर है? सो दैट एरिया A1 एंड A2 विल ऑलवेज रिमेन इक्वल, जो सेकेंड लॉ हमारा कहता है, कैपलर्स का सेकेंड लॉ यही कहता है। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ, है ना? ओके, अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मैंने डायरेक्शन ही लिख दिया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस। मतलब अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, कंसिडर इसे हम टी कह देते हैं। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये जो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है इसे हम टी कहते हैं। अब हमारा टी सेम है, T1, T2 सेम है, तो हम सेम लिखते हैं, लेट अस इक्वल्स टू टी। चीज़ें क्लियर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये कहते थे स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, दैट इज मीन डिस्टेंस, या फिर हम डिस्टेंस कह सकते हैं। तो जब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, टी स्क्वायर आर क्यूब को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे के, तो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू के। ये है आपका थर्ड लॉ, ईजी है। तीनों लॉ बहुत ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट तो बहुत ही ईजी है, वो कहता है कि जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन में नहीं है, इक्लिप्स फॉर्म में घूमता है, जिसमें सन वन ऑफ द फोकाई है। चलो, फोकाई कहता है कि टाइप ऑफ सेंटर, जैसे सर्कल में सेंटर कहते हैं वैसे इक्लिप्स में फोकाई कहते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और थर्ड लॉ क्या कहता है, दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट, सॉरी क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो ये थे केपलर्स के 3 डिफरेंट लॉस। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? हाँ, है ना? ओके, अब हम कुछ इक्वेशन न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, जी से जी को रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करना है उस फॉर्मूले को, और यूनिट्स क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10^22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10^5 km, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। इसके लिए हमें गिवन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, गिवन में लिखते हैं मास ऑफ अर्थ, अर्थ बिगर ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू मून, तो हम कैपिटल एम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 6 × 10^24 kg, और मास ऑफ मून, मून स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल एम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मास ऑफ मून इज 7.4 × 10^22 kg। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है, देखो ये 10^24 है, ये 22 है, 2 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये मत कंसीडर करना सर ये 6 है 7.4 है तो मास ऑफ मून ज़्यादा हो गया, नहीं 10^10 नोटिस करना है हमें। ठीक है, फिर उन्होंने डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस गिवन कितना है, दैट इज 3.84 × 10^5 km। ओके, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता थी, कल हमने देखा था 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, चलो अब हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे,
जो यूनिट्स है यूनिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये क्या है किलोमीटर में, किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, कल ही हम ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर में। तो हम सबसे पहले डी को पहले टू फाइंड तो लिख देते हैं, टू फाइंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम डी को चेंज करेंगे, डी क्या है, डी इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000, ये होगा मीटर में। 1000 मतलब क्या होगा, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000, 5 प्लस 3, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन, आइडेंटिटी 10 टू द पावर 8 मीटर। तो चलो सब यूनिट अब ऐसा यूनिट में हो गए, डिस्टेंस मीटर में हो चुका है, केजी इज ऐसा यूनिट, ओके मीटर, और न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ओके चलो ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था है ना, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, एफ इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये जी की वैल्यू हो गई। एम क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन डी, डी कितना है हमारा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे होल स्क्वायर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलना, स्क्वायर से गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, वैल्यू बस बड़े दिखते पर इजी होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का सॉल्व करते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 24 टू कैरी 6 7 42 42 इंटू 44 क्या हो गया 44.44, किसी क्लियर है, इंटू अब इसे सॉल्व करते हैं, 24 प्लस 22 कितना होगा 10 टू द पावर 46, इजी है, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, एक साथ जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर सभी टर्म के लिए, तो 3.84 का स्क्वायर करो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3.84 इंटू 3.84 एज पर योर कन्वीनियंस, आप स्क्वायर भी कर सकते हो सीधा, ठीक है, इंटू अब क्या होगा 10 टू द पावर, ये स्क्वायर नहीं होता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम इंटू एन, तो 82 से क्या हो जाएगा 16, हाँ ना, ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे 10 टू द पावर को, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है, 6.67 इंटू 44.4, ये माइनस 11 है, ये प्लस 46 है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, कितना हो जाएगा 46 माइनस 11 हो जाएगा 35 हो जाएगा, 46 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 10 टू द पावर, अब ये 16 है, प्लस 16 है, प्लस 16 ऊपर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 16, समझ में आया, नीचे में प्लस 16 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, ओके। प्लस 35 माइनस 16 कितना होगा, 35 में से 16 गए, 35 में से 16 गए कितना बचेगा, यहाँ पे 29 और ये 19, साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज पॉजिटिव, ये चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक हमने 10 टू द पावर को कैसे एक एक करके सॉल्व किया, ठीक है, इसे सॉल्व किया, ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 16 हो चुका है, ध्यान देना है, ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 20.1 न्यूटन, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 9, सॉरी प्लस 19
फोर्स है इसलिए क्या रहेगा ये न्यूटन हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन करोगे, मुझे कैलकुलेशन दिखना चाहिए, चीज़ें क्लियर है, इजी है, 10^10 आपको सॉल्व कर दिया, बस आप 2 से कट करते जाना है और ये आप सॉल्व कर लोगे, चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ओके इजी था न्यूमेरिकल्स, बस थोड़ा कैलकुलेशन टीडीएस है, ठीक है, ओके अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी जो हमने सर लॉ पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम कहते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अब हमने क्या कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, हमने क्या कहा था कि जो पर्टिकुलर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो सेम हम भी एक ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स का, तो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटी फील्ड है वो हमें भी अप्लाई करोगे, हमारी तरफ हमें अट्रैक्ट करोगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज द ओनली रीजन कि हम इतने ईजिली खड़े हो सकते हैं हमारे ग्राउंड पे, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी हार्ड सर्फेस पे, ऑन द अर्थ सर्फेस, ठीक है। अब इसी का अगर हम कहते हैं कि सर ग्रेविटी फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्टैंड हम खड़े हैं, हम दौड़ रहे हैं, जो हम प्रेजेंस है, जिस तरीके से हम एक स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। अब आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को मून पे वॉक करते हुए, इट इज़ नॉट ईजी टू वॉक ऑन द मून, ठीक है। रीज़न क्या है? वहाँ पर जो ग्रेविटी फील्ड है, ग्रेविटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट, तो अदर ऑब्जेक्ट को जो पुल करने की टेंडेंसी होती है उसको ग्रेविटी कहते हैं, द फिनोमिनन वी हैव सीन इन द फर्स्ट क्लास, ओके। तो मून का जो ग्रेविटी फील्ड है वो बहुत कम है, कितना कम है अर्थ से, दैट इज़ 1/6 टाइम कम है। मतलब अगर यहाँ पर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई है तो आप मून पे जाओगे तो 10 न्यूटन का, मतलब आपको जो अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द मून, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून, वो बहुत कम है। अगर वो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो क्या आप स्टेबल रह पाओगे? नहीं रह सकते। इसलिए एस्ट्रोनॉइड को डिफिकल्टी होती है मून पे वॉक करने के लिए, दिस इज द रीज़न, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये कि मून पे वॉक करना इतना वॉक करना आसान क्यों नहीं है, बिकॉज मून की जो ग्रेविटी फील्ड है वो बहुत वीक है। इफ़ यू कंपेयर दैट ग्रेविटी फील्ड विद द ग्रेविटी फील्ड ऑफ अर्थ, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द अर्थ सर्फेस, या फिर अर्थ ग्रेविटी फील्ड, ये चीज़ें क्लियर है। इसलिए मून पे वॉक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके। अब सेकेंड आते हैं मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सर ग्रेविटी फील्ड की वजह से जो मून है, अब मोशन ऑफ द मून अराउंड आर अर्थ प्लैनेट, मतलब जो मून रिवॉल्व कर रहा है या फिर हमारे अर्थ के अराउंड में जो ट्रेस कर रहा है एक पाथ, वो किसके वजह से, वो ग्रेविटी फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि मून के पास एक वेलोसिटी है। अगर हम सोचते हैं इस तरीके से सोचो, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड में मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है कि एट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट इंस्टेंट, वो किस उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इफ अगर ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ सर्फेस, ये मून है, अगर मैं इसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दिस विल बी इन द स्ट्रेट पाथ, टेंजेंट ऐसा ही होता है, ठीक है, स्ट्रेट है। तो मून क्या करेगा, अगर इसको कोई इनवर्ट डायरेक्शन फोर्स अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मून तो सीधा सीधा चले जाएगा, किसी और प्लैनेट से जाकर टकरा जाएगा, ठीक है, हाँ है ना। तो क्या होगा, ये जो ग्रेविटी फील्ड है, अर्थ क्या कर रहा है, इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, हमें पता है। तो ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ इसका जो वेलोसिटी है वो इसको बाहर ले जाने की कोशिश करे, सो दैट वो क्या करेगा, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन ट्रेस करना शुरू करेगा। ये देखते हैं हम डायग्रामेटिक से, कमन में ये मिटाते हैं कि सर्कुलर जो मोशन ट्रेस कर रहा है, ठीक है। केपलर ने कहा था इक्लिप्स में मूव करते सारे सभी प्लैनेट्स, ठीक है, पर न्यूटन जब हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने जब अप्लाई किया था तो उन्होंने एक अजम्पशन कंसिडर किया था कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे, एक अजम्पशन था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कह रहे हैं, वो ये हो गया हमारी अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मून है, ये मून है, कुछ इस तरीके से वो ट्रेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये मून है, ठीक है। अब मून की जो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई मून की, ये मून की वेलोसिटी होगी। पर अर्थ क्या कर रहा है, उसको ग्रेविटी फील्ड दैट इज इनवर्ट डायरेक्शन इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो ना ही वो इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, ना ही वो वर्टिकल जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक ट्रेस करेगा, एक पार्ट ट्रेस करेगा, कुछ इन बिटवीन लाइक दिस। तो मून यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट पोजिशन ऑफ दिस मून विल बी ओवर हियर,
चीज़ें क्लियर है? ओके अब फिर से क्या होगा, अब ग्रेविटी फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटी फील्ड फिर से इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, दैट इज टेंजेंशियल, पर ग्रेविटी फील्ड कैसे रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर से क्या करेगा, इन बिटवीन पाथ निकालेगा, कुछ यहाँ से जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे, यहाँ पे मून की पोजीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से जब पर्टिकुलर ग्रेविटी फील्ड और वेलोसिटी वर्क करती है तो मून एक रोटेशन या फिर हम सर्कुलर मोशन ट्रेस करता है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मून यहाँ पे देखने मिलेगी। इस तरीके से होता है रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है, वहीं से हमने ये चीज़ें डेवलप की, तब जाके हमें पता चला कि हाँ अर्थ क्या कर रहा है, इस पर ग्रेविटी फील्ड अप्लाई कर रहा है और इनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, जबकि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है स्ट्रेट पाथ में। पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वेलोसिटी भी है और ग्रेविटी फील्ड भी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो दोनों साइड फंस गया तो क्या करेगा, इन इस बीच का रास्ता निकालेगा और कर्व पार्ट ट्रेस करते जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो दोनों साइड में नहीं जाए तो क्या इन बिटवीन निकालेगा तो ट्रेस होगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस मोशन में वो एक सर्कुलर मोशन करता है। सेम हमारे सन और अर्थ का जब हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सन और अर्थ का एग्जाम्पल, मतलब अगर हम यहाँ पे सन कंसिडर करो और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ कैसे रिवॉल्व करिए अराउंड द सन, इन द सेम पैटर्न, इन द सेम पैटर्न। सन क्या करें, इस पर ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करो, इनवर्टेशन सभी प्लैनेट्स पे अप्लाई होता है, सभी प्लैनेट्स पे अप्लाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ और मून पे ही अप्लाई होता है, सभी जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जितने भी मून से सभी प्लैनेट्स के, सभी प्लैनेट पे जितने भी मून अवेलेबल हैं, जैसे आपको पता होगा कि सैटर्न जुपिटर पे नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट है, सिंगल मून नहीं है, यूरेनस पे नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट है, तो सभी पे सेम ग्रेविटी फील्ड अप्लाई होता है। जैसे हमारे पास एक मून है, तो ऐसा नहीं होगा कि सर जैसे सैटर्न पे, सैटर्न के पास मल्टीपल मून्स है, जुपिटर के पास मल्टीपल मून्स है, तो सर वहाँ पे उनके पास बहुत सारे मून है, तो ये जो ग्रेविटी फील्ड है क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटी फील्ड इस मून पे लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी फील्ड सेकंड मून पे भी लगेगा, इन केस ऑफ जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस, जो बड़े 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 प्लैनेट्स हैं जिनके पास मल्टीपल मून्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो ग्रेविटी फोर्स है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है बाय डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, याद आ रहा है, हमने एक चीज़ नोटिस की थी, हमने कंक्लूड किया था कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में थर्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे ग्रेविटी फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ग्रेविटी फील्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिस्टेंस एंड नॉट ऑन द थर्ड ऑब्जेक्ट। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है ये समझना, यह है इफेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्थ आते हैं टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, टाइड्स ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जो हमारे अर्थ पे रेगुलर इंटरवल पे होते रहता है, डे टू डे लाइफ में आपको टाइड्स और टाइड्स मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये देखते हैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं सन एट लार्ज डिस्टेंस और मून कहीं पास। अब हमने कहा था सर ग्रेविटी फील्ड सभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब सब अट्रैक्टिव है, तो सन भी इस पे ग्रेविटी फील्ड अप्लाई कर रहा होगा अर्थ पे, है ना, और अर्थ भी सन पे ग्रेविटी फील्ड अप्लाई कर रही होगी, सेम विद द मून, इसमें भी कुछ इसी तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। पर अब ये ना ही अर्थ सन की तरफ जाता है ना ही मून की तरफ जाता है, क्यों नहीं जाता, बिकॉज यहाँ पे और अदर प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे पे ग्रेविटी फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सभी एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब अर्थ को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो अर्थ में जो मास प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर जो मास प्रेजेंट है, हमें पता है कि 1/3 अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, है ना, ये वाटर है और ये सॉलिड लैंड सरफेस। तो क्या होता है, इनकी ग्रेविटी फील्ड की वजह से इसमें जो मास प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर जो मास प्रेजेंट है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर, बिकॉज ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ह्यूज मास है इसका, तो क्या करता है वो वाटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज वो ह्यूज मास है, ठीक है, 1/3 कवर करता है, तो वाटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ड्यू टू ऑन द सी शोर या फिर ऑन द बीचेस या फिर ऑन द कोस्टल रीजन यू विल सी द हाई टाइड्स, तो वाटर अबाउ द सरफेस राइज करने की कोशिश करता है, और ये आपको मैक्सिमम जो हाई टाइड्स है, हाई टाइड्स आर मैक्सिमम एट फुल मून, एट फुल मून हाई टाइड्स आर मैक्सिमम एट फुल मून, क्यों, बिकॉज फुल कंप्लीट जो मून है वो एक्सपोज होता है हमारे अर्थ सरफेस पे, एक्सपोज, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आएगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होते हैं। ऑल्सो हाई टाइड आर इफेक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग, हम कह सकते हैं इवनिंग या फिर नाइट,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्योर और प्योर अर्थ होता है, प्योर और प्योर मून का ग्रेविटी फील्ड अप्लाई होता है, क्योंकि सन क्या करता है, सन तो सेकंड हाफ में चले जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट का जो मास होता है सन के लिए वो ज़्यादा है, अगर हम इस ऐसा डिवाइड कर दें। अब मून क्या है, मून इज एक्सपोज टू द फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ कह सकते हैं, सेकेंड हाफ सन इज एक्सपोज, सन का ग्रेविटी फील्ड इस तरफ ज़्यादा रहेगा, मून का ग्रेविटी फील्ड इस तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों की ग्रेविटी फील्ड आपको हाई टाइड्स देखने मिलेगी, ठीक है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। जब आपको न्यू मून होता है, न्यू मून कंडीशन वहाँ, तब देखना आपकी जो टाइड्स है बहुत लो टाइड्स आती है, बहुत लो टाइड्स, क्योंकि ग्रेविटी फील्ड उतनी अप्लाई नहीं होता रात में, वैसे भी सन नहीं होता, तो मतलब रात में अगर मून भी नहीं है सन में तो ग्रेविटी फील्ड क्या होगा, ग्रेविटी फील्ड कैंसिल आउट तो नहीं होगी पर मिनिमम हो जाएगी, और ग्रेविटी फील्ड मिनिमम होने की वजह से क्या होगा, जो टाइड्स है वो लो टाइड्स देखने मिलेगी हमें, हाई टाइड्स नहीं मिलेगी। चीज़ें क्लियर है? तो ये रीज़न है, या फिर ये पर्टिकुलर एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, बाय यूजिंग, बाय रिलेटिंग द कंसेप्ट विद द सन एंड मून। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ, है ना, ओके, ठीक है। चलो अब एक कंडीशन देखते हैं, फ्री फॉल क्या होती है, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन के बारे में